हेलो हेलो सौरभ आ गए? हाँ हाँ हाँ, कलवा क्रॉस कर चुका हूँ मैं, अभी 5 मिनट में थाना पहुँच जाऊँगा। अरे वाह, राइट टाइम। अरे भैया, हमेशा टाइम पे ही रहता हूँ मैं। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं थाना उतर रहा हूँ। आ जाओ सौरभ, क्लाइंट मीटिंग के लिए रुके हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस, ये ट्रेन थाना नहीं रुकती। क्या बात कर रहे हो यार, अरे मुझे तो थाना उतरना है। लेकिन ये ट्रेन थाना नहीं रुकती। ओ नो, अब मैं क्या करूँ? हेलो हेलो सौरभ, हेलो हेलो, अरे क्या हुआ? हेलो, अरे यार, टीसी भाई साहब बोल रहे कि ये ट्रेन थाना नहीं रुकती। अब क्या करोगे, पहले पूछना चाहिए था ना। रुको रुको रुको, डोंट वरी, आप दादर जाइए, लोकल से वापस आइए, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। हेलो हेलो सौरभ, हेलो, अरे यार बताओ ना क्या हुआ। यार टीसी भाई साहब बोल रहे हैं दादर जाके वापस आना पड़ेगा। क्या? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। और आधा घंटा? मैं दादर जाके वापस आता हूँ, मैं पहुँच जाऊंगा। क्या पहुँच जाऊंगा? अब ठीक गई आज से। क्या? रखो फोन। भाई साहब प्लीज कुछ तो कीजिए, देखिए मुझे थाना उतरना है, मुझे थाना उतरना, बहुत इमरजेंसी है मेरी, प्लीज आप समझिए कुछ तो। रुकिए सर, ये गाड़ी दादर ही रुकेगी, आप दादर जाइए, लोकल से आइए, चले जाना, ठीक है? बैठ जाओ बैठ जाओ। रुकिए, याद रखिए, भारतीय रेल द्वारा रेल ट्रेन में चेन पुलिंग की व्यवस्था आपातकालीन स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा हेतु दी गई है। कृपया अपनी सहूलियत से गाड़ी रोकने के लिए इसका उपयोग ना करें। प्लेटफॉर्म तथा बीच ट्रैक में हुए चेन पुलिंग को पुटराइट करना मुश्किल काम होता है। एक चेन पुलिंग के चलते पीछे कई गाड़ियां लेट हो जाती है। उन गाड़ियों में परीक्षार्थी, वरिष्ठ नागरिक, मरीज, सेवारत कर्मचारी, ऐसे कई लोग होते हैं जिनके लिए एक एक पल कीमती होता है। अपनी आसानी के लिए अन्य यात्रियों के समय के साथ खिलवाड़ ना करें। बिना उचित कारण के चेन का उपयोग करना कानूनन अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत 1,000 रुपये जुर्माना या 1 साल तक की कैद या दोनों सजाएं हो सकती है। ध्यान रखिए, चेन पुलिंग की व्यवस्था ये सुविधा है, अधिकार नहीं। इसका उचित उपयोग कर रेल प्रशासन को सहयोग दे। धन्यवाद।